गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के, और ये जो चैप्टर है वो 12th का RBSC बोर्ड का सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का, और ये 11th में भी इस साल NCERT के कोर्स के अकॉर्डिंग ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं 11th एंड 12th दोनों क्लास को एक साथ ये यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अबाउट द राइटर से स्टार्ट करते हैं हम। खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, ही हैड बीन अ लॉयर, अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो खुशवंत सिंह जो हैं वो इंडिया के बहुत ही जाने माने और बहुत ही फेमस ऑथर हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, राइटर के अलावा वो एक लॉयर भी हैं, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं, और ये द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इसके एडिटर भी हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961। ये दो जो नॉवल्स हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान ये 1956 में इन्होंने लिखी थी, और ये जो दूसरी है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961 में इन्होंने लिखी थी। तो ये दो नॉवल्स जो हैं इनके सबसे ज़्यादा फेमस नॉवल्स हैं। तो राइटर के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताती हूँ ये जो चैप्टर का जो नेम, मेन जो टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट मीन्स होता है किसी का भी रूप या नक्शा, जिसे कहते हैं अपन, या फिर चित्र कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी पिक्चर, उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वूमेन। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यह राइटर बताते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर, जैसे कि दूसरों की होती है ग्रैंडमदर, एन ओल्ड वुमेन, मतलब बाकियों की तरह मेरी दादी भी एक बूढ़ी औरत हैं। She had been old and wrinkled, वो कई समय से 20 साल से जब से मैं उन्हें देखते आ रहा हूँ वो बूढ़ी हैं और उनका जो चेहरा है वो झुर्रियों से भरा हुआ है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं, people said that, कि वो अपने जवानी में बहुत ही सुंदर थी और उनका हस्बैंड भी था, जो कि बिलीव नहीं किया जा सकता या विश्वास करना मुश्किल है। आगे देखिए। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मतलब ये राइटर बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनकी जो फ़ोटो है, उनकी जो पोर्ट्रेट है, वो कहाँ पर टंगी हुई है? हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ा सा साफा बांध रखा है, एंड लूज फिटिंग क्लोज, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और जो उनकी लंबी और सफ़ेद जो दाढ़ी है, बियर्ड है, वो उनके चेस्ट को पूरा कवर्ड कर रही है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और वो उस फोटो के अंदर कैसे दिख रहे हैं? जैसे कोई 100 साल का आदमी हो, ऐसे दिख रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, और वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उनके कोई बच्चे या कोई पत्नी ना हो, इस तरीके से। आगे देखिए। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी जो पोता पोती जिसे कहते हैं अपन, तो उनके
खुद के बच्चे तो नहीं लग रहे थे, लेकिन हाँ उनके खूब सारे पोता पोते जरूर होंगे, ऐसा उनको देखकर कहा जा सकता था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जिनकी जो दादी थी राइटर की, वो बहुत ही यंग थी और प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। जो राइटर की दादी थी वो इतनी सुंदर थी कि उनकी उनके जवानी का, उनकी खूबसूरती का सोचकर ही मन में जैसे हलचल मच जाती थी। रिवॉल्टिंग मीन्स मन में उथल पुथल हो जाना या हलचल मच जाना, ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमें क्या बताती थी जब वो छोटी थी, जब दादी जब छोटी थी वो जो गेम खेला करती थी वो हमें बताया करती थी, समझ रहे हैं? आगे देखिए, दैट सीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ब्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। ये सब थोड़ा सा भद्दा और अनडिग्निफाइड लगता था, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। और जो वो हमें बताती थी एक संत के जैसे, एक प्रोफेट्स के जैसे, वैसी कहानियाँ लगती थी जब वो बताती थी अपनी स्टोरी जो अपने बचपन की बताती थी। आगे देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटी बैंड। वो हमेशा छोटी सी, फैट मीन्स मोटी सी, और झुकी हुई सी, बैंड की हुई झुकी हुई सी दिखाई देती थी क्योंकि वो ओल्ड थी। ओके, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरी फेयर टू एवरी फेयर। और उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस मीन्स जो एक दूसरे को काटते हों ऐसी लकीरें, मीन्स रिंकल्स की जो लकीरें थी वो एक दूसरे को पूरे फेस पे हर जगह पे क्रॉस कर क्रिस क्रॉस करती दिखाई दे रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो नहीं, हमें राइटर बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि वो हमेशा वैसे ही दिखती थी जैसी वो हम उसे जानते थे। मींस किसको? ग्रैंड मदर को। मींस हमने जैसा उन्हें देखा है वो बिल्कुल वैसे ही हैं सामने हमारे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, एक्चुअली टेरिबली ओल्ड मींस बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं, दैट शी कुड नॉट हैव अ ग्रोन ओल्डर। वो उससे ज़्यादा कभी बूढ़ी हुई भी नहीं है, ना हो सकती हैं। एंड वो 20 साल से 20 ईयर्स से वो ऐसी ही दिख रही हैं, सेम एज की ही दिखती हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और अब वो ज़्यादा प्रिटी नहीं रह गई हैं, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर रही हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वो अपना वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए और अपने एक हाथ को अपनी कमर झुकी हुई कमर पे संभालते हुए, कमर पे रखे हुए, तथा दूसरे जो हाथ है उससे पूजा करते हुए, मतलब माला जो फेरती रहती हैं रोजरी यानी अपनी बीट्स जो हैं उनको फेरती हुई घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए फिरती हैं, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडीली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इसमें राइटर कहते हैं कि उनकी जो सिल्वर जैसे सफ़ेद बाल थे, जो चोटियाँ थी, लॉक्स यानी चोटियाँ कहते हैं, तो सिल्वर लॉक्स जो थे वो बहुत ही फैले हुए थे, और फैलकर उनके जो पीला फेस था, पीला और झुर्रियों से भरा हुआ जो चेहरा था उसके ऊपर आ रहे थे, और उनके जो होंठ थे वो एक और उनके जो होंठ थे वो भजन और प्रार्थना करते हुए ही चलते रहते थे।
ठीक है, आगे देखिए। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताया है कि वो कैसे दिखती थी, जैसे कि सर्दी का मौसम हो और पर्वतों के बीच में जो नज़ारा होता है माउंटेन्स के बीच में सर्दियों में, बिल्कुल वैसी ही। और वो हमेशा शांति से सांस लिया करती थी, सैनिटरी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और संतोष के साथ भी। आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। उसके पेरेंट्स, जो राइटर के पेरेंट्स हैं, वो उन्हें किने राइटर को और उसकी दादी माँ को वहाँ पे सिटी में छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद जब उसके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर सिटी में रहने चले गए थे, तो वो तब से ही साथ साथ रहने लग रहे थे। ओके, आगे देखिए। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. तो इसमें बताया है कि उनकी दादी, जो ग्रैंड मदर थी, वो क्या करती थी, उन्हें उठाती थी मॉर्निंग में जल्दी और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. इस लाइन में बताया है कि ग्रैंड मदर जो हैं वो सुबह सुबह प्रेयर, उनकी जो भजन होते हैं, भजन गाना स्टार्ट कर देती थी। जब वो राइटर को नहलाती थी और जब कपड़े पहनाती थी, तो अपने गाने की आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में उन्हें वो सुनाती थी, ये उम्मीद से कि वो उसे दिल से सीखेंगे और वो भी गाएंगे। कौन? राइटर। ओके, I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. तो राइटर कहते हैं कि मैं सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं उस चीज़ की, उसको याद करने की चिंता नहीं रखता था, जो वो गाती थी उसको याद नहीं रखता था, इतनी चिंता नहीं करता था मैं। Then she would fetch my wooden slate while she had already washed and plastered with yellow chalk a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो क्या करती थी कि एक वुडन स्लेट जो थी राइटर की, तो उसे लेकर आती थी और उसे साफ़ करती थी, वॉश करती थी एंड प्लास्टर विद द येल्लो चॉक, और येल्लो चॉक के साथ और टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक इंक पॉट के साथ, एक रेड पेन के साथ, इन सबको एक साथ बांध के बंडल बना के मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर एक छोटे से, राइटर बताते हैं कि यहाँ पे वो एक हल्का सा ब्रेकफास्ट करते थे, और ब्रेकफास्ट कैसा था, बासी चपाती, स्टेल चपाती मीन्स बासी चपाती, उसके साथ वो बटर लगा के और उसके ऊपर शुगर डालकर फिर उसे वो खाते थे, तो मीन्स ये उनका ब्रेकफास्ट था। ओके, तो ऐसे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वो स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अपने साथ कुछ बासी रोटियां और लेकर आती थी ताकि वो जो विलेज में डॉग्स जो मिलते हैं उन्हें खिला सकें। ठीक है, अब हम यहाँ तक के हार्ड वर्ड्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये हार्ड वर्ड्स आप लिखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के
अब तक के जो अपन ने पढ़े हैं पैराग्राफ्स उसके अंदर से मैंने हार्ड वर्ड्स निकाले हैं और उनके सिनोनिम्स लिखे हैं, ताकि अगर पैसेज अगर इसका आ जाता है राइटिंग सेक्शन के अंदर तो आपको आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी के वर्ड्स। ओके, तो लिखिए आप। फर्स्ट है रिवॉल्टिंग, इसका सिनोनिम होता है रेबल, आर ई बी ई एल, रेबल। राइज, टेक अप आर्म्स, टेक अप आर्म्स। ओके, सेकंड है एब्सॉर्ड, एब ए बी एस यू आर डी, एब्सॉर्ब, इसका सिनोनिम होता है रिडिक्यूलस और फार्सिकल, फार्सिकल। ओके, एफ ए आर सी आई सी ए एल, फार्स, फार्सिकल। अब थर्ड देखिए अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का सिनोनिम होता है अनसीमली, अनबिकमिंग। फोर्थ देखिए फेबल्स, फेबल्स का सिनोनिम होता है पैरेबल, एलेगोरी, ए डबल एल ई जी ओ आर वाई, एलेगोरी, बेस्टियरी। फिफ्थ देखिए होबल्ड, एच ओ डबल बी एल ई डी, होबल्ड यानी लिम्प, एल आई एम पी, लिम्प। सिक्स देखिए स्टूप, स्टूप का होता है बैंड, नील, के एन डबल ई एल, नील, सिंक, डिसेंट, डी ई एस सी ई एन डी, डिसेंट। सेवेंथ है रोजरी, रोजरी को अपन कहते हैं नेकलेट, पियर्ल्स, पेंडेंट। एट्थ है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का सिनोनिम होता है सेपरेट, ब्रेकअप, डिसबैंड। नाइन्थ है पेल, पी ए एल ई, पेल, पेल का सिनोनिम होता है लाइट, न्यूट्रल, लाइट टोन्ड, लाइट टोन यानी हल्का रंग का, लाइट टोन्ड। टेंथ देखिए पी यू के, पी यू सी के ई आर ई डी, प्यूकर्ड, प्यूकर्ड होता है रिंकल, कॉकल, क्रम्पल, रंपल। इसमें सी आर यू एम पी एल ई और दूसरे में सी हट के आर यू एम पी एल ई, रंपल। ओके, अब देखिए इलेवेंथ इनऑडिबल, इनऑडिबल यानी अनहर्ड, हार्ड टू हीयर। ट्वेल्थ देखिए कंटेंटमेंट, मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट या कंटेंट। थर्टीन है मोनोटोनस का, इसमें लिखिए सिनोनिम्स टेडियस, बोरिंग, डल, अनएक्साइटिंग। ओके, यहाँ तक के हमने अभी कर लिए हैं हार्ड वर्ड्स, अब हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपन। माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेंपल। जो ग्रैंडमदर थी वो हमेशा स्कूल क्यों आती थी उसके साथ, राइटर के साथ? वो इसलिए आती थी क्योंकि जो मंदिर था वो स्कूल के जस्ट अटैच में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो प्रीस्ट थे, प्रिस्ट यानी जो अपने मंदिर के पुजारी होते हैं वो, तो प्रिस्ट हमें क्या पढ़ाते थे? अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर बुलवाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन अदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चौरस, माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। जब बच्चे लाइन में वरांदा के बीच में बैठते थे, लाइंस बना बना के जैसे असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं वैसे ही बैठा करते थे, तो और जो अल्फ़ाबेट्स जो उन्हें सिखाया करते थे या प्रेयर जो सिखाया करते थे उन्हें ज़ोर ज़ोर से बुलाया बोलते थे। माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग दिस स्क्रिप्चर। और जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो स्क्रिप्चर यानी उनके जो ग्रंथ होते हैं जिनके बूढ़े बुजुर्ग जिन्हें पढ़ते हैं, तो उन ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। वो लोग वहाँ पे अपनी अल्फ़ाबेट और प्रेयर्स बोला करते थे और वहाँ पे ग्रैंड मदर जो हैं अपनी स्क्रिप्चर्स को रीडिंग करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही फिनिश कंप्लीट कर लेते हैं अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर भी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और स्कूल जो अपनी ओपन ओवर हो जाती है, पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर वो उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उनके साथ ही वापस घर आया करती थी। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेंपल डोर।
और इस टाइम पर जब वो वापस आते थे स्कूल से, इस टाइम पर जो टेंपल है, जो मंदिर का जो डोर है, मेन डोर है, वहाँ पर गांव के जो कुत्ते हैं, विलेज डॉग्स, रहते थे। दे फॉलोड अस टू आर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वो उन्हें फॉलो करके करते उनके पीछे पीछे आते थे, और जो वो जो चपातीज वो डालते थे उन्हें खाने के लिए, उस चीज़ के लिए, चपाती के लिए, वो आपस में लड़ते लड़ते वहाँ तक, उनके घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। और जब राइटर के जो पेरेंट्स हैं वो कंफर्टेबली, मतलब सिटी के अंदर उन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया था, तो उन्होंने उनको बुलावा भेज दिया, उनकी दादी को और राइटर को। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो ऐसे वो जो आया था बुलावा जो आया था, वो एक तरह से उनके लिए, उनकी दादी के लिए और खुद राइटर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था उनकी फ्रेंडशिप का। ऑल्सो वी शेयर्ड द सेम रूम, एक ही रूम शेयर करते थे। जबकि माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब क्या हो गया था कि जो ग्रैंड मदर पहले उनके साथ आया करती थी, लेकिन अब वो स्कूल उनके साथ नहीं आती हैं। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब उसे बस लेने आती है, मोटर बस लेने आती है, और वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता है। यहाँ पे राइटर बोलता है कि मैं अब इंग्लिश स्कूल पढ़ने जाता हूँ मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। अब स्ट्रीट के अंदर कोई डॉग नहीं है। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। और जो दादी हैं वो फीडिंग के लिए जो चिड़िया हैं उनको ही अपने जो कोर्टयार्ड है, अपना जो वरांदा है घर का, इनका जो सिटी हाउस है उसका जो कोर्टयार्ड है, उसी के अंदर चिड़ियों को खाना खिला देती हैं। As the years rolled by, we saw less of each other। जैसे साल बीतते गए, वो लोग आपस में एक दूसरे से कम मिलने लग गए। जो राइटर हैं और ग्रैंड मदर हैं वो आपस में एक दूसरे से कम मिलने लग गए। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ टाइम तक तो ग्रैंड मदर ने उन्हें जगाती रही थी और स्कूल भी जाने के लिए उन्हें तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब वो वापस आते थे स्कूल से, जब राइटर वापस आते थे, तो वो उनसे पूछती थी, उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती थी कि टीचर ने आज क्या क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था कि इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बींग राउंड एटसेट्रा। तो वो उन्हें क्या बताते थे, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे और कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे, ग्रेविटी के लॉ के बारे में बताते थे, और आर्किमिडीज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताते थे, और वर्ल्ड जो दुनिया है वो गोल है, बींग राउंड, इसके बारे में बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। और जब वो सुनती थी तो वो उस चीज़ से अनहैप्पी हो जाती थी, बहुत ही दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो मेरे लेसन्स में, मेरे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and scripture। वो भरोसा नहीं करती थी जो भी इंग्लिश स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था उस चीज़ पे, एंड जो भी उनके स्कूल में पढ़ाया जाता था राइटर के में, वो उस बात को, जो साइंस से रिलेटेड जो भी बातें थी, वो उन पर भरोसा नहीं करती थी ग्रैंड मदर। और बल्कि एंड डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट, और भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा, इस चीज़ को देख जानकर वो बहुत दुखी हो जाती थी। आगे देखिए, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने उनको बताया कि हमें म्यूजिक लेसन दिया गया।
शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई टू हर म्यूज़िक हैड लिविड एसोसिएशन। तो म्यूज़िक के बारे में सुनते ही वो एक पहले तो डिस्टर्ब हो गई, घबरा गई, और फिर बाद में उन्होंने क्या सोचा कि वो जो राइटर हैं वो किसी गलत बच्चे जो होते हैं, शैतान बच्चे जो होते हैं, उनकी मंडली के साथ शायद संगीत का म्यूज़िक, ये जो म्यूज़िक है, सीख रहा है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। ये जो मोनोपोली थी वो हार्लॉट्स और जो बैगर्स हैं उनकी ही थी, ये जेंटल फॉक के कोई मतलब की नहीं थी। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन उनकी जो खामोशी थी उससे ये पता चल गया कि वो इस चीज़ से राज़ी नहीं थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत ही कम या फिर कभी कभी ही बात की। वैन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मैं जब यूनिवर्सिटी गया और मुझे खुद का रूम मिला, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और इस चीज़ ने उनकी जो फ्रेंडशिप थी उस पर एक बार में ही झटका, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो तोड़ दी थी, वो अलग से रहने लग गया था इस चीज़ से उनकी फ्रेंडशिप और कम हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूशन विद रिजिग्नेशन, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अकेला रहना ही स्वीकार लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, वो किसी और से बात करने के लिए बहुत ही कम अपना जो स्पाइनिंग व्हील था उसे छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग पेयर्स, वो सुबह जब सूरज उगता था तब से लेकर सनसेट तक वो वहाँ भी अपने व्हील स्पाइनिंग के पास बैठी रहती थी एंड रिसाइटिंग पेयर्स, और अपने पेयर्स को गुनगुनाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, सिर्फ आफ्टरनून में ही थोड़ी देर के लिए वो आराम करती थी टू फीड द स्पैरो, और वो कैसे रेस्ट करती थी, स्पैरो को दाना खिला के। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. और जब वो वरांदा में बैठती थी तो कुछ ब्रेड लेकर आ जाती थी, उनके टुकड़े करती थी, और जैसे वो टुकड़े करती थी तो hundreds of little birds, सौ से भी ज़्यादा birds आ जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी वहाँ पर वरांदा में, और उनकी जो चिरचिर जो चिरपिंग साउंड होती है अपनी स्पैरो की, तो उससे वहाँ पे जो कोर्टयार्ड है वो गूंजने लग जाता था उनकी चिरचिर से, चिरपिंग से। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और उनके पाँव के ऊपर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाती थी, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर के ऊपर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. वो सिर्फ स्माइल करती थी, ग्रैंडमा जो थी वो उन्हें हटाती नहीं थी, उनको शूड नहीं करती थी, वो सिर्फ स्माइल करती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये जो आधा घंटा था उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता। ये देखिए आगे का पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज का। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं abroad जाने का मैंने decision लिया आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset, मुझे पता था कि वो नाराज़ हो जाएंगी, वो उदास हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि वो 5 साल के लिए बाहर जा रहा था, and her age one could never tell, और उनकी जो एज थी वो मतलब बहुत ज़्यादा ही बूढ़ी हो चुकी थी, but my grandmother could, तो ये चीज़ उनकी grandmother कर सकती थी। She was not even sentimental, लेकिन वो भावुक तक भी नहीं हुई, बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई जब वो गया। She came to leave me at the railway station, वो उन्हें वहाँ रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, but did not talk, बोली तक भी नहीं, and shown
एनी इमोशन, ना ही उन्होंने कोई अपना इमोशन या अपना दर्द दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो प्रेयर को बोलते ही रहे, प्रेयर ही बोलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ड इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था वो सिर्फ प्रेयर में ही गुम गया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो माला जपरी थी वो तो उनके उंगलियां सिर्फ उसी में ही बिजी थी। साइलेंटली शी केस्ड माई फॉरहेड, लेकिन उन्होंने फिर मुझे धीरे से मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइंग ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। लेकिन जो लास्ट में जब उन्होंने मेरे माथे को चूमा तो उसका जो ऐसा लगा जैसे मेरा निशान सा माथे पे छप गया, उस चीज़ को वो एहसास करने लगा राइटर। और ये ही एक उनके बीच में एक लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ये साइंग था लास्ट। ठीक है, आगे देखिए। बट ऐसी बात नहीं थी। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, वो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वापस स्टेशन पर अपनी ग्रैंड मदर से मिले। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, वो जैसे 5 साल पहले थी वैसे ही उस टाइम पर दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उस टाइम पर जैसे उन्हें छोड़ते टाइम वो कुछ बोली ही नहीं थी, ऐसे ही अब जब भी दोबारा 5 साल बाद आए हैं तब भी वो कुछ नहीं बोल रही हैं। एंड वाइल शी क्लास्ड मी इन द आर्म, लेकिन उन्होंने क्या किया, राइटर को अपनी बाहों में ले लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर, और जब उन्होंने उनको गोदी में मतलब बाहों में लिया तो उन्होंने वो जो प्रेयर्स बोल रही थी वो सुनी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. यहाँ तक कि उनका जो फर्स्ट डे था जब वो आए थे उस वक्त उन्होंने उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्पैरोज को दाना खिला रही थी, और कैसे खिला रही थी वो फ्रिवोलियस रिबुक्स मतलब डांट फटकार के साथ उनको दाना खिला रही थी। अब यहाँ तक कि मैं आपको हार्ड वर्ड्स लिखवा देती हूँ। तो ये रहे यहाँ तक के हार्ड वर्ड्स, मैं बोलती जाती हूँ, स्पेल आउट करती जाती हूँ, आप लिखते जाइए। फर्स्ट है बॉदर्ड, बॉदर्ड का मतलब होता है माइंड या केयर, MIND माइंड करना या फिर केयर करना। सेकंड है स्टेल, STALE, स्टेल का अपना सिनोनिम होता है ड्राई, ओल्ड, हार्डन्ड, HARDENED, हार्डन्ड। थर्ड है ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग का सिनोनिम होता है स्नार्ल, SNARL, स्नार्ल, बार्क, यैप और बे, BAY, बे। फोर्थ है डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का सिनोनिम होता है पेन या फिर अपसेट। फिफ्थ है LEWD, लिविड, लिड, उसका होता है वल्गर, VULGAR, वल्गर, क्रूड और डर्टी। सिक्स्थ है हार्लॉट्स, हार्लॉट्स का होता है प्रोस्टिट्यूट या मॉडल। सेवन्थ है स्नैप्ड, SNAPPED, स्नैप्ड यानी फ्रैक्चर, स्प्लेंटर, ब्रेक। ठीक है, एट्थ है सेक्लूशन, इसका होता है आइसोलेशन, रिट्रीट, प्राइवेसी। नाइन्थ है वेरिटेबल, वेरिटेबल का सिनोनिम होता है एक्यूरेट, एक्चुअल, सर्टेन। टेंथ है पर्ज्ड, पर्ज्ड का सिनोनिम होता है सिट, रेस्ट या रूस्ट, ROST, रूस्ट। इलेवेंथ है चेरिश्ड, चेरिश्ड का सिनोनिम होता है एडोर, ADORE, एडोर या लव। ट्वेल्थ देखिए मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट यानी वाटरी, डैम, ह्यूमिड या मगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक के हार्ड वर्ड्स हैं, इनको आप कॉपी में उतार लीजिएगा।
अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बचा हुआ जो अपना पोर्शन है स्टोरी का वो और दूसरे हार्ड वर्ड्स बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक के आप रीडिंग कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।